चलिए अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा, शहडोल में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे, शहडोल में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है, उसमें जो है शामिल होंगे, साथ ही लोकसभा प्रबंधन समितियों की बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे, कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं शहडोल में, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि शहडोल में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है और इन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज शहडोल दौरा है, शहडोल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, लोकसभा प्रबंधन समितियों की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो खबर आपको रायपुर से बता रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शहडोल के दौरे पर रहेंगे और शहडोल में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शहडोल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शहडोल के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि शहडोल पहुंचेंगे और उसके बाद शहडोल में जो कार्यक्रमों का आयोजन होना है उसमें शिरकत करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक, कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। नंदलाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ले लेंगे नंदलाल से। नंदलाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शहडोल दौरा है, दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अर्पिता, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा है और इस दौरे के दौरान सिंगरौली सीधा निकलेंगे। सुबह 10 बजे हेलीपैड से जो है रवाना होंगे मध्य प्रदेश के लिए और सिंगरौली में भी कार्यक्रम है और साथ ही साथ देखा जाएगा कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार जहां जहां है वहां वहां और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए जो है मध्य प्रदेश के दौरा पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शहडोल और शहडोल में भी कई कार्यक्रम आयोजित हैं, जैसे जैसे कि दीवार लेखन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना और एक अहम बैठक भी आयोजित किया गया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही साथ वहां दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत भी करेंगे। कई अहम कार्यक्रम जो है आयोजित है शहडोल में, तो शहडोल में भी जो है रहेंगे और दोपहर तक शहडोल के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जैसे कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शहडोल और आदिवासी जो है मुख्यमंत्री भी है विष्णुदेव साय, तो कहीं ना कहीं उनको साधने के लिए मुख्यमंत्री का यह दौरा है और मध्य प्रदेश के लिए भी अहम माना जा रहा है यह दौरा, क्योंकि
चुनाव से और आचार संहिता से पहले अपनी तैयारियों को लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी दौरा कर रही है और इस दौरान मध्य प्रदेश में जो है दौरा कर रहे हैं। देखा जाएगा कि जिस प्रकार से जो विधानसभा चुनाव में जो तैयारियां थी, जो जो कार्यक्रम आयोजित होते थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और साथ ही साथ वहां के नेता मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार दोनों राज्य में किस प्रकार से कार्य करेंगे इस पर चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को वापिस रवाना भी होंगे छत्तीसगढ़ के लिए। मुख्यमंत्री जी अस्मिता, बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शहडोल और खुद मुख्यमंत्री भी जो है आदिवासी वर्ग से आते हैं और आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी का एक बड़ा फोकस है आदिवासी वोटर्स पर, तो देखने वाली बात होगी कि इस दौरे के बाद क्या कुछ जो है बदलाव देखने को मिलते हैं और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, बैठकों में क्या कुछ बातें होती है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की नंदलाल, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? जी बिल्कुल, जो सुरक्षा जो हमेशा मुख्यमंत्री को जो तैनात रहते हैं वो सुरक्षा तो है तैनात है और पूर्व से ही जो सूचना दे दिया गया है जो है वहाँ मध्य प्रदेश के और शहडोल जिले में भी जो जिला प्रशासन को जो अलर्ट कर दिया गया है पहले से ही जानकारी दे दीजिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वहाँ दौरा है, तो बिल्कुल सुरक्षा की किसी प्रकार से कोई चूक नहीं होगी, पूरे कड़े सुरक्षा के इंतजाम में जो है वहाँ पर उनका दौरा है। और देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार दावा छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर जीतने की कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा सीटें हैं, तो उसको भी साधने के लिए लगातार जो है अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री का भी दौरा देखने को मिला और देखा गया योगी आदित्यनाथ का भी मध्य प्रदेश में दौरा रहा, तो अभी हाल ही में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी दौरा है, तो कहीं ना कहीं ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है सारे दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पूरे व्यवस्थाओं को लेकर पूरे इंतजाम जो है वहां किया गया है। और आज सुबह 10 बजे हेलीपैड के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और सीधे शहडोल के लिए जो है प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ नंदलाल, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा है। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली जा चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 8 मार्च को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। बैठक में मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, नंदलाल लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। नंदलाल, बीजेपी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, 8 मार्च को किसान मोर्चा यहाँ पर की बैठक है, मोर्चा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी यहाँ पर दौरा रहेगा और प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पर जो है बैठक आयोजित की गई है। इन बैठक में तमाम जो जिला इकाई के जितने भी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। उस बैठक में यही चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र की जो योजनाएं चल रही है उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इन विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि किसानों के लिए इसलिए है क्योंकि अभी टोकन साहू प्रदेश अध्यक्ष है, उनको अभी लगातार बैठक देखने को मिल रही है, प्रेस वार्ता देखने को मिल रही है कि किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये साधने के लिए लगातार जो है बैठकें कर रही है और शीर्ष नेतृत्व का दौरा रहेगा, बैठक रहेगा 8 मार्च को। उस पर सभी जितने भी जिला इकाई है, जो बूथ स्तर के हैं, सभी को वहां पर बुलाया गया है और सभी पर चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से जो मोदी की गारंटी पर जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो सरकार यहाँ कार्य कर रही है उसको किस प्रकार से देखते हैं, लोगों के बीच कितना असर कर रहा है, क्या लोगों के बीच किया जा रहा है, सभी को क्या, सभी क्या लाभान्वित हो पा रहे हैं इस योजनाओं से, जो केंद्र की योजना है और जो
विष्णु सुशासन का यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड लगाए जा रहे हैं और कई जो किसानों के लिए जो देखा जाए तो योजनाएं हैं वो पहुंच रहे हैं कि नहीं, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव, आपको हमने कहा कि लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैठकें काफी अहम मानी जा रही है और भाजपा दावा कर रही है कि हम आचार संहिता से लगने से पहले ही पूरे तैयारियां जो है पूर्ण कर ली जाएंगी और अभी भी दावा करते हैं कि आधे तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रकार से ये किसान मोर्चा का बैठक है और काफी अहम बैठक माना जा रहा है क्योंकि पूरे प्रदेश भर के जो किसान है, किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं पूरे सब शामिल रहेंगे और शीर्ष नेतृत्व जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक बूस्टर चार्ज का कार्य करते हैं, तो ये बूस्टर चार्ज करने के लिए बैठक आयोजित किया जा रहा है। रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार से जो लोगों के बीच अभी जा रहे हैं मोदी की गारंटी को लेकर वोट मांगने के लिए भी पूरे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उस पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, ये सारी चीजों पर समीक्षा की जाएगी। उसके बाद फिर से और एक जो है अग्रसर हो के और भी लोगों के कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बातें जो है हमारे सामने निकल कर आती है, खासकर किसानों के लिहाज से क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक से हमें जानने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 8 मार्च को बीजेपी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, मोर्चे में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर इस बैठक का आयोजन होना है।